ऐसे भी कोई किसी को सताता है क्या, जैसे तुम गए हो कोई जाता है क्या। भारतीय सिनेमा आज उदास है, हर किसी की आंख नम है, हर कोई शोक में डूबा है कि आज भारतीय सिने इतिहास का एक सुनहरा पन्ना पलट दिया गया है। आज भारतीय सिनेमा का वो सितारा टूट चुका है जिससे सिनेमा का आकाश सजा रहता था, दिलीप कुमार, वो शख्सियत जिसने अपने पूरे सिने करियर में सिर्फ और सिर्फ 63 फिल्में की, लेकिन अपने अभिनय की ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुमकिन ना होगा। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे यूसुफ खान का दिलीप कुमार तक का सफर बेहद ही फिल्मी रहा। इनकी जिंदगी में ड्रामा भी था और रोमांस भी, दिल का टूटना भी था, दिलों का मिलना भी। दिलीप कुमार जब यूसुफ खान हुआ करते थे तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हिंदी सिनेमा में ऐसे चमकेंगे कि सत्यजीत रे भी उन्हें उस वक्त का सबसे अच्छा मेथड एक्टर बता देंगे। फिल्म जगत में कदम रखने के बाद उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ और ऐसे सितारे जिन्हें हम दिग्गज कहते हैं उन्होंने दिलीप कुमार के सामने अपना सिर झुकाया। शायद ही ऐसा कोई फिल्मी कलाकार होगा जिसने दिलीप कुमार को अपनी प्रेरणा न माना हो। उनके चाहने वालों की फेहरिस्त में अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, धर्मेंद्र कुमार, शाहरुख खान जैसे तमाम ऐसे सितारे हैं जिनके नामों की अगर सूची बनाने बैठे तो शायद पन्ने कम पड़ जाएं। अमिताभ बच्चन ने एक बार उनकी फिल्म गंगा जमुना की तारीफ करते हुए खुद को उनका फैन बताया था। वो कई कार्यक्रमों में कई बार कह चुके हैं कि वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। उनके निधन पर अमिताभ ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि ये एक्टर नहीं बल्कि एक संस्थान का अंत है। हिंदी सिनेमा का यदि इतिहास लिखा गया तो इसे दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद ही लिखा जाएगा। वो दिलीप कुमार के कितने बड़े फैन थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने दिलीप साहब के ऑटोग्राफ के लिए आधे घंटे तक इंतजार किया था। वहीं फिल्मों में अपने लिखे गीतों का जादू बिखेरने वाले जावेद अख्तर ने एक बार दिलीप कुमार के बारे में कहा था कि कोई क्या कहे, क्या क्या कहे, कितना कहे और कैसे कहे, इस थोड़े से वक्त के प्याले में इस मोहब्बत, इस हकीकत, इस चाहत, इस श्रद्धा, इस इज्जत का समंदर कैसे भरे। लेकिन फिर भी एक बात आपसे कहूंगा कि बीतते समय के साथ हमें एहसास होता जा रहा है कि दिलीप कुमार को पसंद करना शुरुआत से ही कितना सही था। लता मंगेशकर भी दिलीप जी के जाने के बाद टूट सी गई हैं। वो दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई मानती थी और उन्हें राखी भी बांधती थी। उनके जाने के बाद लता जी ने उन्हें याद करते हुए भारी मन से लिखा, यूसुफ भाई अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ, कई बातें, कई यादें हमें देकर चले गए। फिल्मी जगत में अगर कोई उनसे उनकी औलाद की तरह जुड़ा था तो वो थे शाहरुख खान, जिन्हें देखकर खुद सायरा बानो भी कहती थी, दिलीप जी अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो शाहरुख जैसा ही होता। सायरा जी का मानना था कि वो हूबहू दिलीप कुमार से मिलते हैं, यहाँ तक कि उनके बाल भी दिलीप जी जैसे ही हैं। दिलीप कुमार भी शाहरुख के बेहद करीब थे, वो उन्हें अपना मुंह बोला बेटा मानते थे, इसीलिए शाहरुख का उनके घर आना जाना लगा रहता था। शाहरुख के दिल में भी दिलीप कुमार को लेकर दीवानगी कम नहीं थी। शाहरुख ने मधुबाला सलीम के पोस्टर पर दिलीप साहब का ऑटोग्राफ लेकर अपने स्क्रीनिंग थिएटर पर लगाया है। किसी को क्या ही पता था कि अब वो ऑटोग्राफ उनकी याद और उनकी निशानी भर बनकर रह जाएगा। वहीं अपने समय के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र भी दिलीप के जाने से बेहद दुखी हैं। उनकी जिंदगी में दिलीप कुमार का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं था। दिलीप साहब को लेकर धर्मेंद्र का प्यार इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने दिलीप कुमार को लेकर कहा था कि उनके घर को देखता हूं तो लगता है जैसे हज हो आया हूं। उनके निधन पर धर्मेंद्र फूट फूट कर रोए। दिलीप का जाना भारतीय सिनेमा में एक ऐसा शून्य पैदा कर गया जिसे भर पाना नामुमकिन है। वो हमेशा एक चमचमाते सितारे से भारतीय इतिहास में चमकते रहेंगे। अलविदा दिलीप साहब।